हनी ट्रैप में पकड़े गए महू के सेना के जवान अविनाश के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पता यह चला है कि पाकिस्तान की महिला, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, वह उससे सोशल मीडिया पर राजस्थान की युवती बनकर मिली थी और उसके बाद वह उसके प्रेम जाल में फंस गया। युवती ने वीडियो कॉलिंग और चैटिंग कर दुबई में मिलने के लिए भी बुलाया था, पर किसी कारणवश अविनाश दुबई नहीं जा सका। कुल मिलाकर अविनाश कुमार पर ATS सेंट्रल एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी नजर रखे हुए थी। उसके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर हुए थे, तभी से वह शंका के घेरे में था। और सबसे बड़ी बात यह है कि रकम दिल्ली से ट्रांसफर की गई थी। जांच एजेंसी अविनाश उसके परिवार और दोस्तों के बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी जानकारी ले रही है। ATS द्वारा अविनाश को सोमवार को स्पेशल कोर्ट में दाखिल रखा गया। उसके बाद पूछताछ और रिकवरी का हवाला देकर टीम ने उसकी रिमांड की इजाजत मांगी, जो दे दी गई। 26 मई तक वह रिमांड पर रहेगा। कुल मिलाकर उसके खिलाफ IPC की धारा 123 के तहत चार्ज लगाए गए हैं। कुल मिलाकर सैन्य संस्थानों की गोपनीय जानकारी विदेशी महिला को लीक करने वाला अविनाश के बारे में यह कहा जाता है कि वह पुलवामा अटैक और उसके बाद हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त भी विदेशी महिला से संपर्क बनाए हुए था। जांच एजेंसी को यह भी शंका है कि उसने वीडियो कॉलिंग के जरिए सेना के मूवमेंट की जानकारी हनी ट्रैप को दी। यह महिला उससे खुद का राजस्थान का पता कर लगातार सेना की जानकारियां प्राप्त कर रही थी। अविनाश से पूछताछ और तकनीकी जांच में ATS को चैटिंग और इमेज शेयरिंग के सबूत भी मिले हैं। टीम को यह भी पता चला है कि वह कई दस्तावेज वीडियो कॉलिंग के दौरान विदेश में बैठी महिला को पढ़वा भी देता था। सेंट्रल एजेंसी ATS और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अनुसार ज्वाइंट इरोगेशन के दौरान ये सारी बातें सामने आई है और उसके घर से बालाकोट के दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार महू में बॉर्डर पर मिलिट्री की हर गतिविधि की जानकारी रहती है। जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि यहाँ के कुछ और भी लोग हैं जिन पर नजर रखी जा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।